वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का हिंदी 4 का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने हिंदी इलेक्टिव का जो सिलेबस है, हिंदी दो टाइप की थी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, एक इलेक्टिव होती है एंड दूसरी जो होती है वो कोर रहती है। तो हमने इलेक्टिव का ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। जिन बच्चों को देखना है उसका लिंक मैं प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें सभी सब्जेक्ट के आप देख पाएंगे। आज की इस वीडियो में जो सिलेबस डिस्कस करने वाले हिंदी कोर का, इसके अंदर दो बुकें आपके सामने हैं, आरोह और वितान, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तीसरी बुक भी रहती है अभिव्यक्ति की, जो कि मैं हिंदी इलेक्टिव में नहीं बताया था, आज की इस वीडियो में हम उसे भी कवर करेंगे। 2023 और 24 के सेशन का ये सिलेबस रहने वाला है और ये सिलेबस फाइनल एग्जाम के लिए होने वाला है, जो कि आपका होता है फरवरी और मार्च में करीब। ये जो फाइनल एग्जाम होता है उसका हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, यानी पूरा आपका 11th में क्या पढ़ना है आपको हिंदी कोर में, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं, सिलेबस को डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपको कोई डाउट रहता है या वीडियो देखने के बाद डाउट रह भी जाता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपके सामने, कृष्णा साहनी 08। ठीक है, साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, 2000 से ज्यादा बच्चे जो है यहाँ पे ज्वाइन है, तो ये आपको लिंक जो है दोनों के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जो भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल रहते हैं वहां पे सेंड कर दिए जाते हैं, तो आप वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं। सिलेबस की बात करें तो क्लास 11th हिंदी कोर की, तो उसके अंदर दो बुक रहती है आपकी, आरोह और वितान। ठीक है, इलेक्टिव में भी दो बुक थी और जो हम कोर की डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर भी दो बुक है। पहली बुक का नाम है आरोह एंड दूसरी वाली आपकी जो है वो है वितान। इसका सिलेबस हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पुरानी पुस्तकों को देखेंगे, यानी आप चेंज आया है, बदलाव आया है पुस्तकों में, तो ज्यादातर बच्चों के पास ओल्ड बुक होंगी, तो उसको हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ओल्ड वाली जो किताब है आपकी, ये देखेंगे, ये पुरानी वाली है। ठीक है, ओल्ड वाली, तो इस जो बच्चों के जिन बच्चों के पास ऐसी किताबें हैं जिसके अंदर आपके 10 चैप्टर दिए हुए, तो इसमें से आपको क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है आपको निशान लगा लेना। ठीक है, तो एक तो आपका चैप्टर नंबर 6 हो गया, कृष्णनाथ का जो लिखा हुआ है स्पीति में बारिश, तो ये वाला चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। छठा चैप्टर आपका कट गया है एंड आपको नहीं पढ़ना है कौन सा, आत्मा का ताप, सैयद हैदर रजा का, ये आपको चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। दो चैप्टर आपके इसमें कट गए, दो पार्ट में डिवाइड है आपकी आरोह, एक होता है गद्य खंड, ठीक है, जिसे आप कहानी वाला कह सकते हैं, एंड दूसरा जो रहता है वो कविता वाला, आगे मैं आपको दिखाऊंगा भी, ये आपको दो चैप्टर नहीं पढ़ने, एक चैप्टर नंबर 6 है एंड चैप्टर नंबर 10 है। आगे की तरफ चले तो काव्य खंड आता है, काव्य खंड मतलब कविता वाला, आप इसे ले ले, कविता वाला होगा चैप्टर, इसमें आपको क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है, तो एक कबीर वाला चैप्टर है जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसके दो है। ठीक है, दो कविताएं है कबीर की यहाँ पे, इनमें से आपका एक कट गया है, दूसरा वाला संतो देखत जग बोरान, ठीक है, ये बोराना, ये वाला चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। एंड मीरा भी, इसका भी दो चैप्टर दिया हुआ है यहाँ पे, दो कविताएं दी हुई है, तो इसका भी एक कट गया है, ये है पग घुंगरू बांधी मीरा नाची, ठीक है, तो इसमें से आपको जो दूसरा पद है दोनों का ये कट गया है। बाकी आप देखें तो ये पथिक वाला हो गया तीसरा चैप्टर, ये पूरी तरह कट गया है, ये आपको नई किताबें जिन बच्चों के पास है उनको दिखेंगी नहीं ये चैप्टर। ठीक है, जिन बच्चों के पास नई किताबें हैं उनको तो ये चैप्टर्स दिखेंगे ही नहीं, तो ये आपको निशान लगा लेना है, ये चीजें नहीं पढ़नी है। तो काव्यखंड में क्या क्या चीजें आपको नहीं पढ़नी है, एक तो संत देखत जग बोराना, ये वाला, ये है कबीर का दूसरा पद, एंड मीरा का दूसरा पद, ये भी नहीं पढ़ना है, और दो चैप्टर और तीसरा और चौथा ये पुरानी बुक में आपको नजर आएंगे। अगर आपके पास नई वाली किताब है, नई एनसीईआरटी है, और अगर आपने अभी तक किताबें नहीं ली है तो आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि आप नई वाली लो, ठीक है, उसके अंदर जो है पहले से ही आपको नहीं दिखेंगे। आगे हम बात करते हैं नई वाली किताब, जो नई आई है उसके अंदर क्या है, क्या क्या बदलाव है, क्या चीज है, तो यहाँ पे आप देखेंगे उसमें 10 चैप्टर थे, जैसा कि इसमें कितने हैं, 8 चैप्टर है ऑलरेडी, दो चैप्टर जो आपके नहीं आ रहे हैं वो यहाँ पे है ही नहीं, कट गया वो चैप्टर, तो आपको ये पूरा पढ़ना है। ठीक है, ये आपका पूरा सिलेबस है इस वाली किताब में, गद्य खंड मतलब कहानी जो होगी उस वाली में। ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, आरोह में ही है ये, गद्य और काव्य खंड दोनों आरोह वाली किताब में ही है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो कबीर का एक आ रहा है, ठीक है, मीरा का भी एक आ रहा है, दूसरा दूसरा नहीं आ रहा है दोनों का, तो मैंने आपको जैसा कि बताया ओल्ड वाली जो किताब है उसके अंदर आपके चैप्टर दिए होंगे जो कि कट गए हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। नई वाली किताब में आपको वो चैप्टर्स दिखेंगे ही नहीं, यहाँ पे देखेंगे 8 चैप्टर है टोटल, तो यहाँ पे आपके 10 चैप्टर हुआ करते थे जो कि कट गए दो दो। ठीक है, इसमें से पद भी दो कटे हुए और साथ ही साथ दो चैप्टर पूरा पूरा
कट गया, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। अब आगे की तरफ आते हैं, जो यहाँ पे मैं आपको एक साथ बता देता हूँ कि क्या क्या कट गया है एक पेज में। ये आपका पूरा सिलेबस है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे ठीक है। इसके अंदर काव्यखंड आरोह भाग वन में देखेंगे आप तो कबीर का जो दूसरा पद है वो कट गया, मीरा जो है इसका भी दूसरा पद है वो कट गया। यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं इन दोनों का। साथ ही राम नरेश त्रिपाठी का जो है पथिक, ये पूरा चैप्टर कट गया है। एंड सुमित्रा नंदन पंत का वे आंखें, ये पूरा चैप्टर कट गया है। गद्य खंड में यानी काव्य खंड जो था आपका, ये कविता वाला था ठीक है। एंड ये नीचे कहानी वाला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कहानी वाले में स्पीति में बारिश, ये वाला चैप्टर कट गया आपका पूरा चैप्टर। और सैयद हैदर रजा का जो है आत्मा का ताप, ये पूरा चैप्टर कट गया है। तो इस वाली बुक का पूरा यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या क्या चीजें आपको नहीं पढ़नी है, जो कि सिलेबस दिया गया था सीबीएसई के द्वारा, उसमें ये चीजें थी ठीक है। तो मैं जो सिलेबस दिया उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। आगे की तरफ चलते हैं, हम दूसरे बुक की तरफ आते हैं जिसका नाम है वितान ठीक है। और वितान के अंदर कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, जो किताब थी आपको पूरी पढ़नी है, इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो पुस्तक में कोई परिवर्तन नहीं है, इसमें आपको पूरा पढ़ना होगा। आगे की तरफ चलते हैं, अब तीसरा किताब भी आता है जो कि है आपका अभिव्यक्ति और माध्यम का ठीक है। इसका नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। ये 11th एंड 12th दोनों के लिए एक ही किताबें मिलती है। इसके अंदर आपके चैप्टर जो दिए रहते हैं 11वीं और 12वीं दोनों के लिए दी होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके जो चैप्टर है टोटल, यहाँ पे 16 देखेंगे, टोटल 16 चैप्टर है। लेकिन इसमें से आपके जो है, जैसे 11th का है तो पहला चैप्टर यहाँ देखेंगे 11th का लिखा हुआ है, दूसरा 11th का है। यहाँ पे इलेक्टिव और कोर दोनों के लिए सेम है ठीक है। इलेक्टिव एंड कोर जो हो गया दोनों के लिए ये सिलेबस है। तो देखेंगे जैसे आधार और ऐच्छिक पाठ्यक्रम के लिए लिखा हुआ है, यानी इलेक्टिव और कोर दोनों के लिए। तो क्लास 11th के लिए ये चैप्टर हो गया आपका जनसंचार माध्यम। दूसरा चैप्टर है पत्रकारिता के विविध आयाम, ये भी आपका 11th के लिए हो गया। ये 12th के लिए, तो इसे आप कट कर दीजिए, जो 11th के बच्चे वो इसे ना पढ़े ये वाले चैप्टर ठीक है। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे कैसे बनती है कविता, ये वाला आपको नहीं पढ़ना है, 12वीं का है ये भी। यहाँ नीचे आप देखेंगे डायरी लेखन की कला और कथा पटकथा, ये दोनों ही आपको पढ़ने 11th के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड आगे की तरफ आएंगे तो ये 12वीं के लिए लिखा हुआ है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं और ये भी नहीं। नीचे की तरफ आएंगे तो कक्षा 11वीं के लिए लिखा हुआ है, तो ये आपको पढ़ना है। तवव्रत हो गया, ये भी आपको पढ़ना है। और कोश एक परिचय, ये वाला भी आपको पढ़ना है। तो ये आपके कितने चैप्टर हो गए, चैप्टर अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर 1 ये हो गया आपका, चैप्टर नंबर 2 ये हो गया। तीसरे की तरफ आते हम, तीसरा जो चैप्टर आपका नीचे, तीसरा चैप्टर फोर्थ वाला नीचे आ गया, एंड आपका जो है फिफ्थ सिक्स एंड 7th ठीक है। टोटल 7 चैप्टर 11th में आपको पढ़ना है, चाहे आपके पास कोर हो या इलेक्टिव हो, दोनों में ही आपको ये पढ़ना होगा। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। हिंदी का हमने कोर का सिलेबस डिस्कस किया है, इससे पहले हमने कई सब्जेक्ट के सिलेबस ऑलरेडी करवाए हुए हैं। अगर आपको उनका वीडियो देखना है, सिलेबस समझना है, तो आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप पूरे सिलेबस जो भी हो गया आपका, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया ठीक है, इंग्लिश का भी हमने जो है कोर करवाया हुआ है, उसका इलेक्टिव करवाना है तो वो भी जल्दी आपको करवा दिया जाएगा। बाकी कोई डाउट रह गया हो आपका तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी है। टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाइए, जो कि क्लास 11th के लिए है, 2000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पे ज्वाइन है ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। ये था आज का वीडियो, मिलता हूँ आपसे अगले और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।